साथियों, सर्वप्रथम जो दर्शक लोग हमें यहाँ देख रहे हैं और जो हमारे चैनल के द्वारा देखेंगे, उनके लिए सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, आज हम अपने बड़े भ्राता श्री, हम तो मतलब जो भी कुछ कहना चाहेंगे वो कम ही होगा, कितने आज खुश हैं बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार आगरा में जब मीटिंग हुई थी तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे देश के वीरों, मेरे देश के लोगों, जो ये मिशन मूवमेंट मैंने चलाया है, अगर इसे आप आगे ना बढ़ा सकें तो बेशक आप इसे यहीं पर छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे मत हटने देना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसी पद चिन्हों पर चलकर हमारे बड़े भ्राता श्री माननीय श्री नवाब सतपाल कंवर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, संपूर्ण अखंड भारत के अंदर सभी लोग इनसे वाकिफ भी हैं, इनके संघर्ष से भी वाकिफ हैं। नहा बिल्कुल बाबा साहब के मिशन को बिल्कुल आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। उनकी शान में भीम सेना के लिए मैंने दो पंक्तियाँ लिखी, उसे गौर कर सुने। के दासता बाबा साहब की आज सुन करके जाना है, फकत मुझको जरूरत भीम की तुमको बताना है। बड़ी मुश्किल से मेरे बाबा लाए कारवां भाई, बड़े मुश्किल से लाए कारवां बाबा मेरे भाई, क्योंकि कि घर थी लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। कि घर थी लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। तो ये बाबा साहब का मौसम में मिशन मूवमेंट था कि घर पर राजरतन की लाश रखी थी, फिर भी बाबा साहब हमारे तुम्हारे लिए संघर्ष करने के लिए लंदन में हमारे तुम्हारे अधिकार के लिए गए हैं। तो इसके बारे में आगे और कहना चाहूंगा कि सोचा भीम ने दुनिया को गुलशन सा सजाऊंगा। बाबा साहब की इच्छा थी कि हमारा ये संपूर्ण भारत देश बौद्धमय बन जाए। सोचा भीम ने दुनिया को गुलशन सा सजाऊंगा, सितारे आसमां में जो उन्हें नीचे उतारूंगा। मगर तुम काम ना आए हमें बस इसका रोना है, हमें फिर भी तुम्हारे गुल सीता को ही सजाना है। क्योंकि बाबा साहब ने जब बाबा साहब मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे तो बाबा साहब ने कमेटी बनाई थी कि हमारे समाज के लोग जुड़ेंगे और मिशन मूवमेंट को बढ़ाएंगे, लेकिन बाबा साहब को धोखा दे दिया। और आज भी ऐसा है कि हमारे समाज के जैसे हमारे दाता श्री हैं, इन्हें हर चीज का नॉलेज है, तो आज हमारे समाज के लोग जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं तो लोग हमारे समाज के कुछ लोग पीछे धक्का मार रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, एक और पंक्ति लिखी है कि दर्द एक दिल में उठता है आज तुमको बताते हैं। ये लाइन एकदम नई है, अगर सुनेंगे गौर से तो एकदम आनंद आ जाएगा, लेकिन ताली से आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। दर्द एक दिल में उठता है आज तुमको बताते हैं, याद जब हमको आती है आंसू न रोक पाते हैं। वो क्यों किया आजाद पानी भीम ने फिर भी जान जाती है। बाबा साहब ने महातालाब पर संघर्ष करके महातालाब को ही नहीं बल्कि पूरे देश के पानी को आजाद करा दिया, लेकिन फिर भी इसी पानी के लिए अगर हमारी जाने जा रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। किया आजाद पानी भीम ने फिर भी जान जाती है, प्यासे मर रहे बच्चे उन्हें मौत सब मनाना है। उधर भैया जी हमारे संघर्ष कर रहे थे, उस वीडियो को मैं देख रहा था सुराना में, वहाँ बच्चे का मातम मनाया जा रहा था, यहाँ आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था। आगे कवि ने लिखा है, कदम आए भीम, हम सभी भीम सैनिकों से कहना है, मेरी अपील समझें कि कदम आए भीम सैनिको आपको आगे बढ़ाना है। या जो हम लोगों को संकेत देते हैं, रास्ता बताते हैं, तो उन पर चलकर हमें अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है।
कदम ए भीम सैनिको आपको आगे बढ़ाना है, और जान चाहे चली जाए नहीं सर को झुकाना है। हमें अब भीम सैनिको लौट कर हरगिज न जाना है, हमें अब भीम सैनिको लौट कर हरगिज न जाना है, इन जालिम गद्दारों से साथियों बदला छुपाना है, इन जालिम गद्दारों से साथियों बदला चुकाना है। आगे सिर पढ़ता हूं, अगर अच्छा लगे तो सभी लोग जोरदार ताली से आशीर्वाद दें। आज अधिकार पाने को हमें लड़ना लड़ाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आजादी ऐसे नहीं मिली, अधिकार लेने के लिए अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, उन्हें अधिकारों के लिए हमें संघर्ष की जरूरत है और संघर्ष करना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीने जाते हैं, और हम संगठन लेकर जब अधिकार छीनेंगे तभी वो मुझे संगठन मिलेंगे। अच्छा, वो संघ वो अधिकार हमें मिलेंगे कैसे, इस पंक्ति में हमने दर्शाया है कि आज अधिकार पाने को हमें लड़ना लड़ाना है, दिया संविधान बाबा ने हमें मिलकर बचाना है, दिया अधिकार बाबा ने हमें मिलकर बचाना है। बनो चिंगारी ज्वाला की जला दो इन जालिमों को, बनो चिंगारी ज्वाला की जला दो इन जालिमों को, हमें घर घर में एक एक, हमें घर घर में एक एक नवाब सतपाल तंवर बनाना है, हमें घर घर में एक एक नवाब सतपाल तंवर बनाना है। तो साथियों सभी लोगों को जय भीम। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए सभी लोग मिशन को बढ़ाएं और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम।